हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, हमारी जो बैचेस थी उस ऑर्गेनाइजेशन की सिंथ सुपीरियर सर्विस के हवाले से, ठीक है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की टीचिंग का स्टाइल था, जो मेथडोलॉजी हमने चलाई थी, जिसमें हमारी कंप्लीट बैचेस की कोर्स लेंथ की कुछ बारे में हम बात करेंगे, और स्टूडेंट्स के कुछ रिव्यूज़ थे इस ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, ठीक है, या हमारी ऑनलाइन टेस्टिंग सर्विस कैसी थी, या हमारी ऑर्गेनाइजेशन का वे ऑफ टीचिंग किस तरीके सा, हमारे फैकल्टी मेम्बर्स कौन से थे, तो ये कंप्लीट क्वेश्चंस हम सर सागर से पूछेंगे। और अबाउट हमारी ऑर्गेनाइजेशन के रिव्यूज़, ठीक है, कि स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ कौन से थे और हमारे स्टूडेंट्स ने यूनिसेफ सिंध में कितना परफॉर्म किया, ये सारी बातें आज हम सर सागर से कंफर्म करेंगे और पूछेंगे। जी सर, थोड़ा आप इसके बारे में बता दीजिएगा। श्योर श्योर, सबसे पहले थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन लाजमी दें। श्योर श्योर, एज फार यू नो स्टूडेंट्स, दिस इज सर सागर एंड वी यूजुअली रन आवर ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज रन आउट सिंध सुपीरियर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन। बेटा, इसके अंदर सबसे पहले हमने जो ये पहले ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, क्योंकि दो साल हमने एज अ इनफॉर्मल काम किया था सोशल मीडिया पे, देयरफॉर बेटा हमने इसको अथोराइज्ड यू नो इंस्टीट्यूशन बनाया ऑनलाइन का जो है। देयरफॉर जो फर्स्ट इसकी हमने क्रैश कोर्स शुरू किया था वो था मेहरान यूनिवर्सिटी के अंदर रिलेटेड, जिसके अंदर जो रिनोर पर्सनलिटी सर सईद था, उसने कवर करा था फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, देयरफॉर मैंने इंग्लिश में पार्टिसिपेट किया था। अपार्ट फ्रॉम दैट बेटा, हमारा जो ज़्यादातर गैप था या फोकस था हमारा, वो था सिंध जो यूनिवर्सिटी यू नो एंट्री टेस्ट थी 2K25, इस पर हमारा ज़्यादातर गैप था। लास्ट ईयर हमारा ज़्यादातर हमारी जो ग्रिप थी इसके सिंध यूनिवर्सिटी पे थी, इस साल और भी ज़्यादा हुई। वो क्यों? क्योंकि सर सईद ने कहा कि सीक्वेंस से बताएं तो हम रिजल्ट्स में आपसे शो करेंगे वहाँ पर। देयरफॉर इसके अंदर तीन यू नो रेनाउंड पर्सनैलिटीज़ है, सर सईद, सर शिनशा और उसके बाद में बेटा हम तीनों यूट्यूबर्स भी हैं। हमारा जो वर्क था शुरू से वो डिस्ट्रीब्यूट था, क्योंकि एक काम एक ही बंदा कर सकता है, ऐसे नहीं कि एक ही बंदा तीन चार या पांच छह काम करे। सो सीम्स लाइक देयर बेटा, सर शिनशा है, उसके अंदर इन्फॉर्मेशन जो शेयर होती है फॉर्म के हिसाब से, टेस्ट कंडक्ट के हिसाब से, या इन्फॉर्मेशन एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग अबाउट अस। देयरफॉर इंग्लिश का जो है वो मैं पैटर्न यू नो के ग्रिप करके पढ़ाता हूँ, एनालाइज करके पढ़ाता हूँ स्टूडेंट्स को। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो यूनिवर्सिटी का इस साल था वो था जीके एंड साइंस। बेटा इसके अंदर मैंने क्यों पढ़ा था जीके, क्योंकि मेरे पास एक सेपरेट डिग्री है इंटरनेशनल रिलेशंस, हमारी जनरल नॉलेज भी यू नो अच्छी है ड्यू टू प्रिपरेशन ऑफ यू नो सीएसएस एंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, देयरफॉर बेटा जनरल साइंस भी इसके अंदर आती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, सर सईद बेटा, सर सईद ने यू नो के मेहरान यूनिवर्सिटी में टॉप स्कोर किया था। अपार्ट फ्रॉम दैट, उसको वहाँ पर अपना डिजर्विंग डिपार्टमेंट वो जो चाह रहा था, या फी तो कुछ उस वक्त हमें इशू थे, तो उस हिसाब से सर सईद फिर यूनिवर्सिटी में गया। तो सर सईद की जो यू नो बैकग्राउंड है वो मैथमेटिक्स में शुरू से है, सो सर सईद जो है वो मैथमेटिक्स पे यू नो फोकस करवाता है अपार्ट फ्रॉम आईक्यू। देयरफॉर सर सईद, आप नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हो। जी सर, इसमें जो क्वेश्चन थे पहला ये है कि हमारी बैचेस जो थी सिंध सुपीरियर सर्विस के अंडर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी हमारी बैचेस थी, उन बैचेस का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा, मतलब कोर्स लेंथ के हवाले से, या क्योंकि ना टीचिंग स्टाइल एक होता है ना, थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाता है, तो इसमें आपका एक्सपीरियंस कितना रहा? सबसे पहले स्टूडेंट्स, हम आपको बताना चाहेंगे जो जो बैचेस थी हमारी, प्रोबेबली टोटल जो थी वो 5 थी। अब पूरा रिकॉर्ड हमने लैपटॉप पर रखा था। रिकॉर्ड क्यों? क्योंकि जो स्टूडेंट्स मसलन सबसे पहले अगर लेंथ की बात करें, कोर्स लेंथ, तो हमने पहली जो बैच थी वो जुलाई से शुरू की थी। देयरफॉर जो जैसे मंथ्स चेंज हो रहा था, तो हम न्यूली बैचेस शुरू करते जा रहे थे। लास्ट जो हमारी बैच थी वो थी क्रैश कोर्स की, जो 15 डेज के अंदर हमने प्रिपरेशन आपको करवाई थी स्टूडेंट्स को प्रोबेबली। अब हम अगर दूसरी बात करें, टोटल थी हमारी 5। पहले फेज में ज़्यादातर स्टूडेंट्स हमारे नहीं थे, क्योंकि हमारा जो ग्रिप है वो है कराची रीजन, हैदराबाद रीजन, जामशोरो रीजन, या फिर अर्बन जो सिटीज़ हैं उसके अंदर। ज़्यादातर जो लड़काना दादू वहाँ पर हमारे यू नो के ग्रिप था, लेकिन इतना नहीं था। वो क्यों? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादातर जो है वो फिजिकली टीचर्स के साथ पढ़ते थे, या ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है वो प्रिपरेशन नहीं करते थे, उनका कंक्लूजन एंड में हम डिस्कस करेंगे। तो प्रोबेबली हमारे जो अंडर स्टूडेंट्स थे वो थे 500 रजिस्टर्ड स्टूडेंट। रजिस्टर्ड सिंपली मीन टू से जिसका हमारा जिनका प्रिपरेशन अच्छा हुआ था, हमारा प्रिपरेशन मीन टू से लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन। ये यू नो के डिफरेंट डिफरेंट बैचेस थी, डिफरेंट डिफरेंट यू नो प्रोसीजर था टाइम का। बेटा सॉरी, ड्यू टू वेदर थोड़ा यू नो कफ है। देयरफॉर बेटा
यहाँ पर जो हमारा लेंथ था वो था, सर सईद ने मैथमेटिक्स करवाया था, जीके के बेटा क्वेश्चन यू नो के वीडियोस होते टोटल 18 to 19 वीडियोस, देयरफॉर जनरल साइंस के अंदर 3 पोर्शंस थे, हमारा था बायोलॉजी उसके 8 लेक्चर्स, केमिस्ट्री 8 लेक्चर्स, फिजिक्स में नॉर्मल आते हैं एमसीक्यूज तो उसका एक लेक्चर था, देयरफॉर पास्ट पेपर हमने सारे डिस्कस किए थे जीके इंग्लिश एंड साइंस। यहाँ पर अगर लेंथ लिया जाए तो नॉर्मल हमारा शॉर्ट टर्म कोर्स था, उसे हमने वीकेंड पे सैटरडे और संडे ऑफ था, संडे पे हमने वीकली मॉक टेस्ट की थी, उन सब स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड यहाँ पर है। और जिन जिन स्टूडेंट्स ने 3 महीनों के अंदर जो जो टेस्ट यू नो के अटेम्प्ट की, उनकी जो जो मार्क्स है, उनकी अटेंडेंस सारा हमारे पास है। अब मोस्टली 500 में से जो के टॉप स्टूडेंट्स, टॉप मीन टू से 60 to above, उसमें से 5 ग्रुप में से यू नो 300 ऐसे स्टूडेंट्स है जो कि 50 above प्लस मार्क्स है उनकी, हमारे पास ये डॉक्यूमेंटेड है। अब कुछ स्टूडेंट्स अनरजिस्टर्ड है, वो कैसे, सर सईद ने 1 अक्टूबर पे पब्लिक कर दिए थे वीडियो, मैंने भी कर दिए थे, तो इससे क्या होता है स्टूडेंट्स जो है वो एंडिंग में पढ़ते हैं, जो कि 20 अक्टूबर पे है वो 20 डेज में, कोर्स नॉर्मल था, लेंदी नहीं था, तो उन्होंने वहाँ से कवर किए, वहाँ से भी हमें रिव्यू अच्छे अच्छे मिले थे। सो अगर हम फाइनलाइज बात करें कि 1500 प्लस हमारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे जिनका हमारे पास स्क्रीनशॉट है, लेकिन हम आपको फ्यू दिखा रहे हैं क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स की जो नंबर थे हम हाइड ना कर सके ड्यू टू शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अगर हम फाइनलाइज बात करें तो 300 प्लस हमारे जो टॉप थे स्टूडेंट्स, उन्होंने सिलेक्शन की थी, मोस्टली जो पेरेंट्स थे या गार्डियंस थे या एम्प्रूवर्स या फिर फ्रेश स्टूडेंट्स, उनकी बहुत अच्छी रिव्यू थी। वजह ये कि उन्होंने अच्छे से प्रिपरेशन की थी, ऑफिशियली वीक पे टेस्ट दे रहे थे, मॉक टेस्ट दे रहे थे, ग्रैंड टेस्ट हमारी हुई थी, उसके बाद हमने उनको जो जो पढ़ाया था अक्टूबर के अंदर हमने उनको प्रोवाइड भी किया था पीडीएफ फॉर्म में, प्रिडिक्टिव फॉर्म में, जो मटेरियल आपने पिछले वीडियोस में देखा होगा। उससे क्या हुआ, फर्स्ट फेज में हमें इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, सेकंड फेज में अनबिलीवेबल, अनप्रिडिक्टेबल, मैं तो यू नो कि सुबह उठा तो मैं नर्वस था कि आई डोंट नो कि हमने जो प्रिडिक्शन किया था रिजल्ट्स भी बच्चों की इस तरह आएंगी या नहीं आएंगी। तो क्या हुआ, सुबह जब उठा 100 प्लस स्क्रीनशॉट्स थे, फिर मैं भी सेटिस्फाई हुआ, फिर मुझे पता चला कि हमारे जो रीजन है वो अर्बन ज़्यादा है। अब यहाँ पर अगर टॉप स्टूडेंट्स की ले रहे, एक कैंडिडेट थी उसने 85 लिए थे, ठीक है, उसने स्क्रीनशॉट सेंड किया था, एक आमना बशीर थी, बशीर पंवर ऐसी स्टूडेंट थी, उसने 82 लिए थे जो कि बेस्ट 2 से थी, उसके बाद 70s में भी बहुत से स्टूडेंट्स थे। सो इन द कंक्लूजन हम यही कहेंगे कि स्टूडेंट्स की और स्टूडेंट्स के पेरेंट्स या गार्डियंस हैं उनकी रिव्यू बिल्कुल बहुत अच्छे थे। तो फॉर्म जो फिल हुआ था सर शिनशाह ने बनाया था, उसके अंदर 1500 स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किया था कि हमारे इतने इतने मार्क्स हैं, उसके बाद जो टॉप हैं वो 300 हैं। अब दूसरे कैटेगरीज की बात करेंगे, वो स्टूडेंट्स जो कि प्रिपरेशन नहीं कर रहे थे, इट मीन्स उनका नाम रजिस्टर्ड था लेकिन वो टेस्ट नहीं दे रहे थे, क्योंकि हमारे पास तो यू नो के ऑथराइज्ड स्टूडेंट्स थे, तो ज़्यादातर जो जो स्टूडेंट्स कह रहे थे सर हमारा यू नो टेस्ट आउट ऑफ सिलेबस निकला, या सर ये था, तो हमने उनको मॉक टेस्ट दिखाई कि बेटा आपकी जो है वो टेस्ट हुई है 9 टोटल, उसमें से आपकी जो अपीयरेंस है वो है 2 to 3। अब जो स्टूडेंट मॉक टेस्ट नहीं दे रहा तो जाहिर सी बात है वो प्रिपरेशन भी नहीं कर रहा होगा, तो ये हमारा था, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने प्रिपरेशन भी अच्छी की थी। अब वो स्टूडेंट्स जो कि कहते हैं कि सिंध माता वा बो को बना है तो सिंधा, तो बेटा उनकी भी लग गए हैं, उनके क्यों लग गए हैं बेटा, उन्होंने प्रिपरेशन की थी 12 days 15 days शॉर्ट टर्म प्रोसेस, या जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ये पीडीएफ आते रहते हैं ये वो, उनकी तो मतलब उनकी आप कमेंट देखोगे, लास्ट जो वीडियो मैंने अपलोड किया उनके कमेंट देखे, सर 41 है सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, सर 32 है जूलॉजी मिल जाएगा, एक स्टूडेंट ने कमेंट किया जी व्हाट्सएप में, बोला सर मेरी 30 marks है क्या मेरा कुछ हो सकता है। हाँ, तो मैंने उसे कहा बेटा आपकी 30 अल्लाह ही तुम्हारा कुछ कर सकता है, हम नहीं कर सकते। तो ये होता है, ये डिस्कस कर रहे हैं उनके लिए जो कि प्रिपरेशन नहीं करते हो, सीरियस नहीं होते, बेटा कंपटीशन बिल्कुल कम है, पढ़ता कोई नहीं, इसलिए 23,000 स्टूडेंट्स अपियर हुए। हाँ, 23,000 अपियर हुए हैं, पास कितने हुए हैं 6,000, अब ये जो 15,000 फेलियर हैं वो नेक्स्ट ईयर भी आएंगे, फिर जो 7,000 और हैं या एक्स्ट्रा ये भी आते रहते हैं। बेटा कहने की बात ये, जिन जिन ने यू नो के प्रिपरेशन की थी उनकी माशाल्लाह बिल्कुल अच्छी थी, 70, 52 एक स्टूडेंट जो जो यू नो, और ज़्यादातर हम रेस्पॉन्स नहीं देते, क्यों नहीं देते, क्योंकि हमारा जो रेस्पॉन्सिबिलिटी था प्रिपरेशन तक था, देयरफॉर हम आपको गाइड कर सकते हैं जो कि अभी हम कर रहे हैं, लास्ट वीडियो में हम कर रहे हैं। तो बेटा अब
यहाँ पर हम रिव्यू क्यों दे रहे हैं, क्योंकि आपको हम एक्सपीरियंस दे रहे हैं ताकि अगर इन फ्यूचर कोई स्टूडेंट देख रहा है वी लोग, इन फ्यूचर आप भी देख रहे हो, आप किसी और को सजेशन दोगे तो आप यही कहोगे कि बेटा प्रिपरेशन ऐसे होती है फॉर्मली हर इदारे की। थैंक यू। नेक्स्ट। जी सर, उसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन है कि ऑर्गेनाइजेशन की जो लेंथ थी हमारी मिनिमम जुलाई से अगस्त सेप्टेम्बर अक्टूबर तक हमने ऐड कर दी थी, मीन्स तकरीबन 2.5 मंथ हुई थी, ठीक है। और इसमें हमारी जो टोटल अगर हम मॉक टेस्ट की बात करें तो 9 to 10 हमारी मॉक टेस्ट थी। सही। जो स्टूडेंट्स हमारी मॉक टेस्ट को कम्प्लीटली अटेम्प्ट कर रहे थे, ठीक है, जैसे कुछ गर्ल्स थी, अब उनका नाम मैं शो नहीं करना चाहता, ठीक है, एक हमारी गर्ल थी जिन्होंने प्रॉपरली क्लासेस ली थी, ठीक है, उसने आई थिंक मुझे स्क्रीनशॉट सेंड किया था जिसकी 79 से 75 तक शायद ये सी थी, 75 या 79 थी, ठीक है। तो मतलब कहने की बात यह है कि अगर आप एक कंप्लीट कोर्स लेंथ कवर करते हैं, कंप्लीट कोर्स पढ़ते हैं, तो आपकी मार्क्स अच्छी आती हैं, ठीक है। प्रोबेबली। तो इसके हवाले से अगर हम लास्ट क्वेश्चन आपसे करें ऑनलाइन टेस्टिंग के हवाले से, ठीक है, जो हमारी ऑनलाइन टेस्टिंग थी उसके अगर बारे में कुछ गाइड करना चाहें जो हमारे फ्यूचर में स्टूडेंट्स अगर ज्वाइन करना चाहें ऑर्गेनाइजेशन को, तो थोड़ा सा। अब यहाँ पर मैं स्टूडेंट्स को कहूँगा, क्योंकि ज़्यादातर हमारे थर्ड ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर और ये जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं जो कि आए हुए हैं टेस्ट से, उनको प्रॉपर पता होगा जिन्होंने टॉप किया या जिन्होंने अच्छे अच्छे मार्क्स उठाए या जो पास हुए हैं। एनिवन दो जो पास नहीं भी हो पाए हैं उनको भी ये पता होगा कि हमने प्रिपरेशन कैसे करवाई। आप अपने आप से पूछें वो कैसे। बेटा सबसे पहले मैं सिंपल इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा, जो जो हमने समझाया था, जो जो हमने पढ़ाया था या जो जो हमने यू नो कि आपको ट्रेन किया था, तो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी सिलेबस था, कोई बाहर की चीज़ नहीं थी। फॉर इंस्टेंस जो मॉक टेस्ट हुई, वीकली टेस्ट हुई, हम सॉल्यूशन दे रहे थे, जो कि हमने मॉक टेस्ट 12 अक्टूबर एंड 18 अक्टूबर पे किया था, पब्लिक कर दिया था। देयरफॉर 13 अक्टूबर पे जो टेस्ट था उसका भी हमने सॉल्यूशन लिखा था, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज और इंग्लिश भी। इंग्लिश में कुछ क्वेश्चन आए थे नरेशन के थोड़े उल्टे, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे, मैंने उसका भी सॉल्यूशन रखा और कहा कि इसी तरीके से नेक्स्ट आएगा तो 20 अक्टूबर पे भी उसी तरीके से नरेशन थी। देयरफॉर अगर हम आगे बात करें तो बेटा जो जो प्रिपरेशन थी हमारी कंसर्न टू यू नो के ऑफिशियल प्रिपरेशन थी, कोई यू नो ऐसे नहीं थी रेंडमली ये पढ़ लो वो पढ़ लो वो पढ़ लो वो पढ़ लो, नहीं, कोई बर्डन नहीं था। स्टूडेंट्स को वो बेटर पता है और अभी वो स्टूडेंट्स इंजॉय कर रहे होंगे क्योंकि उनको पता है कि 70 अबो है तो जो भी डिपार्टमेंट पे हाथ रखेंगे वो उनको मिल जाएगा। नेक्स्ट सर। ठीक है सर, आपसे अब ये लास्ट क्वेश्चन है कि रिव्यूज़ की अगर हम बात बारे में बात करें स्टूडेंट्स की, ठीक है, तो रिव्यूज़ जो स्टूडेंट्स को स्टूडेंट्स ने मिले थे हमें अबाउट जो स्कोर था, ठीक है, या हमारा वे ऑफ पैटर्न किस तरीके से, हमारी टेस्टिंग किस तरीके से थी, ठीक है, तो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स का क्या रिव्यूज़ आपको कुछ मिले हैं कि पेरेंट्स की हम पर कितनी डिपेंडेंसी, मतलब कितने डिपेंड थे, या थोड़ा सा ऐसा इशू होता है ना, थोड़ा सा गाइड कर। बेटा पेरेंट्स बहुत से होंगे जो कि मैं जब भी यूट्यूब खोलता हूँ उनकी एज होती है, एक तो स्टूडेंट्स की ज़्यादातर 18 to 24, दूसरी जो थी एनालिसिस के अंदर वो थी 32 to 44, ये दोनों एज वाले हमारे व्यूवर्स हैं ज़्यादातर। तो पेरेंट्स को पेरेंट्स का एक तो इंटरेक्शन हमारा बिल्कुल अच्छा था, पेरेंट्स से हमारी कोऑपरेशन अलग थी फी के हिसाब से या प्रिपरेशन के हिसाब से, कुछ कुछ पेरेंट्स जो थे वो सजेशन भी ले रहे थे तो उनको हम प्रॉपर रेस्पॉन्स कर रहे थे। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ कुछ ऐसे पेरेंट्स थे जो कि अफोर्डेबल यू नो कि अफोर्डेबल फ़ी हमारी उनके लिए नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा अल्टरनेटिव हमने बुकलेट्स किए। एक स्टूडेंट था उसको मैंने बुकलेट्स यू नो कि वो बिल्कुल नीडी था क्योंकि मैं फॉर्म दे रहा था कि फॉर्म भरो, फॉर्म में पता चल जाएगा, साइकोलॉजिकल एक चीज़ें होती हैं, तो मैंने उनको 4 बुकलेट्स दी थी, सर सईद की, मेरी इंग्लिश की, जनरल साइंस एंड जीके एबिलिटी, उसके साथ साथ पास पेपर। तो उसको वैसे तो ये बुकलेट्स थी 5000, मैंने उसको यू नो के शेयर करके 3000 में दिए थे क्योंकि उसने बहुत रिक्वेस्ट की, सर सईद को भी की थी, सर शिनशाह को। तो उस स्टूडेंट्स ने विथ यू नो विथ स्क्रीनशॉट, मैं आपको शो कर रहा हूँ यहाँ पर विथ स्क्रीनशॉट शो किया है, सर आई गॉट 72 मार्क्स, ऊपर लिखा होगा बुकलेट नाम लिखा होगा और ऊपर लिखा होगा बुकलेट्स, लिखा होगा शाहिद बुकलेट 72 मार्क्स। उसने परचेज़ की, वहीं से प्रिपरेशन की, उसने कहा सर मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा और सिर्फ यहाँ से प्रिपरेशन, उसकी 72 मार्क्स थी। इट सिंपली मीन से हमने उनको एडवाइस भी दी पेरेंट्स को कि ओनली बुकलेट्स ऑफिशियल। तो ये हमारा यू नो के फर्स्ट टाइम था बुकलेट्स लॉन्च करने का और बिल्कुल अच्छा वैलिड गया। थैंक यू। ठीक है सर, उसके हवाले से अगर आपने बुकलेट्स की बात ही खोली तो लास्ट टाइम क्वेश्चन आपसे कर लेते हैं
तो अगर हम बुकलेट्स की बात करें तो क्यों ना हमारा ये ट्रायल था, मैथ्स की बात करें या जनरल साइंस जीके एबिलिटी जो आपने जी बनाया हाँ था, ठीक है, या 2013 से 23 तक जो पास पेपर्स हमने कंडक्ट किए थे, एक साथ लिखे थे, जी हाँ ठीक है, तो इसके हवाले से एक तो हमारे रिव्यूज़ अच्छे मिले हैं, ठीक है, जी तो क्या आगे आप जो अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं, नेक्स्ट जो टेस्ट होगी, ठीक है, 2026 की बैच में, तो क्या आप यही बुकलेट्स रखेंगे या थोड़ा आपने ऑर्गेनाइज करेंगे? मैं इनको सिंपल कहूंगा कि एजुकेशन वो चीज़ है जो इम्प्रूव होती रहती है, एडिशन आती रहती है। एजुकेशन वो चीज़ है जो कभी भी रुकेगी नहीं। मैं यही कहूँगा जो कि लास्ट टाइम टेस्ट हुई है 13 अक्टूबर 20 अक्टूबर पे, वो भी जो हमारा बुकलेट था प्रेजेंट, यू नो के सिंस 2013 टू प्रेजेंट, वो उसके अंदर अभी ऐड हो गई है टीम के थ्रू। सीम्स लाइक दैट जो चीज़ें इनवैलिड थी हम उसे बुकलेट से निकालेंगे, क्योंकि करंट अफेयर थे ना, हमने डिस्ट्रिक्ट के लगा दिया थे, डिस्ट्रिक्ट तो नेक्स्ट ईयर चेंज हो जाएंगे और करंट अफेयर चेंज हो जाएंगे, वो उसको इम्प्रूव करेंगे हम नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह। सेकंड यू नो कि ये फर्स्ट एडिशन थी ट्रायल, नेक्स्ट ईयर हम सेकंड एडिशन डालेंगे। सर सईद को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मैथ्स के अंदर और सम डालें, इसको और यू नो कि सिंपल बनाए, ताकि कोई भी स्टूडेंट अगर लेक्चर नहीं सुन रहा वो पढ़ के समझ ले कि ये चीज़ें ये हैं। सीम्स लाइक दैट जी के यू नो जनरल साइंस एंड एबिलिटी, उसके अंदर तीनों पोर्शन है, साइंस, जी के और इस्लामिक स्टडी, अपार्ट फ्रॉम दैट पास पेपर। तो मैं हम इस चीज़ को और भी इम्प्रूव करेंगे और इस ऑर्गेनाइजेशन को भी हम बढ़ाएंगे। नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह मेहरान का भी हम प्रिपरेशन अच्छे से करवाएंगे, अभी जीसी का भी हम शुरू करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स को मैथ्स के वाले से बुकलेट के वाले के एक बात थी जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो बेटा अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स में जितने मैंने टॉपिक्स रखे थे आईक्यू के या अर्थमेटिक पोर्शन के, ठीक है, तो वो सारे मैंने क्वेश्चंस वही रखे थे जो यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध में आते हैं, और इस तरीके से क्वेश्चन आए भी थे, ठीक है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर आप लेक्चर्स में एडवांस पढ़ा रहे हैं और आपके बुकलेट्स में वो क्वेश्चन कम है। तो बेटा ये मैंने एडवांस इसलिए पढ़ाया था कि अगर आप एडवांस लेवल के क्वेश्चन को टच करेंगे तो आप इजी क्वेश्चन वैसे भी आप सोल्व कर पाएंगे, और जैसे ही अगर मैं कोई भी लेक्चर में कोई क्वेश्चन नहीं करवाता था तो वो क्वेश्चन आपको इंट्रीट यानी जो वीकली टेस्ट में देता था उसमें दे देता था, ताकि मैं उसका सॉल्यूशन करवाऊँ तो वो भी उनको समझ में आ जाए। तो इसका एक ही रीज़न था कि बेटा जो क्वेश्चंस आते थे सिंध में और मैंने आपको कंप्लीट बुकलेट कवर करवा दिया था अपने लेक्चर्स में, ठीक है, अगर आपने लेक्चर्स से देखे होंगे तो बुकलेट, अगर कोई भी स्टूडेंट्स बैठेगा तो 1 घंटे में पूरा सोल्व करवाएगा सर, बिल्कुल ऐसा ही था। तो ये लॉजिकल एक बुकलेट मैंने बनाया था, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट ईयर जो है थोड़ा सा बुकलेट को मैं को और ऑर्गेनाइज करूंगा, ठीक है। जैसे मैंने आईक्यू के सेक्शन में एक दो क्वेश्चंस जो मैंने थे टॉपिक्स मिस नहीं मिस किए थे, लेकिन लेक्चर्स में मैंने कवर करवा दिए थे, और अर्थमेटिक में भी कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो मैंने मिस करे थे, अभी मुझे एनालाइज हुआ है, तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट ईयर वो सारे उसमें पुट कर दूंगा, तो कंप्लीट आपकी प्रिपरेशन बुकलेट से भी हो जाएगी अगर आप बुकलेट परचेज कर लेते हैं तो। मैं सर आपसे एक सवाल करूँगा, बहुत से स्टूडेंट्स की यू नो टेस्ट हो गई, मार्क्स भी आ गई, बहुत से स्टूडेंट्स फेल भी हैं और बहुत से स्टूडेंट्स नर्वस भी हैं, और बहुत से स्टूडेंट जो कि टॉप आ गए हैं फिर भी वो यू नो के लाइफ एंजॉय नहीं कर रहे, 72 उठा ली, 80 उठा ली, 82 उठा ली, 52 उठा ली, 62 उठा ली। सो मैं यही कहूँगा कि प्रेजेंट को एंजॉय करो, लेकिन सर आपकी क्या यू नो राय है उनके अंदर, क्योंकि वो स्टूडेंट लाइफ नहीं एंजॉय कर रहे, सिर्फ ऐसे सोच रहे हैं पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, कि सर पढ़ाई है या जिंदगी भी है कुछ। तो इसे मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं स्टूडेंट्स की इजी वे में हाँ समझाने के लिए। श्योर तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे स्टूडेंट्स की टेस्ट हो गई ना तो उनका बर्डन पहले तो हट गया है, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो अभी भी डिप्रेस हैं। बिल्कुल अब जैसे एक स्टूडेंट ने मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट किया कि सर मेरी 74 CPN है, क्या मुझे CS डिपार्टमेंट मिल जाएगा, क्या मुझे AI मिल जाएगा, क्या मुझे IT मिल जाएगा। तो बेटा पहली बात याद रखें, जो भी डिपार्टमेंट मिलता है आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज स्किल्स अलग होती है, ऐसा नहीं कि अगर कोई नौशहरो फिरोज में आपको CS मिल रहा है 60 पर तो लाजमी नहीं है आपको सांगढ़ में वही मिले या आपको कंबर शराब में वही मिले, ऐसा नहीं होता, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट वाइज जो होता है हर डिपार्टमेंट की लेवल अलग होती है, ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 74 में अगर आप किसी भी स्टूडेंट को मिला है कि आपको 74 में भी मिल जाए, लेकिन डिस्ट्रिक्ट अलग होता है तो उसकी वजह से थोड़ा पैटर्न चेंज होता है। तो स्टूडेंट्स जैसे ही टेस्ट देकर आते हैं ना तो कन्फ्यूज हो जाते हैं अब आगे का प्रोसेस क्या होगा। तो बेटा सिंध यूनिवर्सिटी जो है ना हर प्रोसेस के लिए, जैसे आपका अब ऑप्शन ओपन हो जाएगा ना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का, तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए 10 दिन देते हैं, उसके बाद जैसे ही लिस्ट लगेगी एक लिस्ट लगने के बाद भी 5 दिन देते हैं, देन दूसरी टेस्ट, ऐसे ही होता है। तो लिस्ट लगने के बाद जैसे आपका अगर नेम आ गया, अगर आप कोई भी डिपार्टमेंट लेना चाहेंगे तो आपको एक ना रिटेन चालाना होता है, वो आपको पे करना होता है,
ठीक है, वो आप पे करेंगे। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स पे करने के, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना हार्ड कॉपी में देने के लिए, उसके लिए भी आपको 10 दिन देते हैं। तो मतलब आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं लेनी, बिल्कुल डिप्रेस नहीं होना, ठीक है। ईजिली अपनी जो लाइफ है उसे एंजॉय करें, ठीक है। अगर आपकी टेस्ट हो गई है, अच्छी मार्क्स आई हैं, नहीं आई हैं, अब डिप्रेस तो होने का ही नहीं वैसे भी। हो अगर गया। 70 हो गया तो हो गया, अगर 30 आई तो हो गया। अब अगर कोई चीज़ आपकी मिस हो रही है तो उसे अब नेक्स्ट ईयर में थोड़ा सा आप उसे इम्प्रूव करेंगे। अगर स्कोर कम आया है तो नेक्स्ट ईयर अच्छे से मेहनत करेंगे, अच्छे से इम्प्रूव करेंगे। अगर टेस्ट अच्छा आया है, अगर स्कोर आपका अच्छा है, तो बेटा थोड़ा पेशेंट रहें, थोड़ा सब्र रखें, ठीक है। बाकी जो प्रोसेस है आगे वाला वो इजिली ओपन हो जाएगा, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। ठीक है सर, मैं एंडिंग में मैं यही कहूंगा कि जिन जिन स्टूडेंट्स ने मेहनत की है लेकिन उनको वो नहीं मिला, तो अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि जिसके लिए आप मेहनत करते हो और वो आपको नहीं मिलता, तो मैंने उससे और अच्छा और बेहतर सोचा होगा। तो ये सच है, ये हमारा एक्सपीरियंस है एजुकेशन में भी, सोशल लाइफ में भी, इन दोनों में। और भी एक चीज़ मैं कोट करूँगा कि बेटा प्रेजेंट को, दुनिया और दीन को बराबर रखो, बैलेंस करके चलो, और इतना डिप्रेस ना हो। प्रेजेंट को एंजॉय करो, फैमिली को एंजॉय करो, फ्रेंड्स को एंजॉय करो, स्टडी को एंजॉय करो। सीम्स लाइक देयर बेटा नर्वस ना हो, यू नो कि एजुकेशन से ज़्यादा, या हम कहें मार्क्स से ज़्यादा, आपका हैप्पीनेस मैटर करता है, आपकी लाइफ मैटर करती है। अगर आप पेरेंट हो तो मैं उनको यही कहूँगा कि आपके जो यू नो बच्चे हैं वो ज़्यादा यू नो मैटर करते हैं बजाय उनके मार्क्स। सो सीम्स लाइक दैट किसी और के कहने पे या रिलेटिव के कहने पे उनको कुछ भी ना कहो, और क्योंकि उन्होंने बेस्ट दिया है। बेस्ट मीन टू से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनको बिल्कुल हमने खुद प्रिपरेशन करके देखा है 3 3 महीने, लेकिन उनका लक नहीं चला, लक के से टाइम इशू हो गया उनके पास। अब ये जो माइक्रोबायोलॉजी में टेस्ट हुई थी, हम तो प्रोटेस्ट कर दें यूनिवर्सिटी के गेट पे, लेकिन नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारा काम ही नहीं है कि उनको बेचारों को टाइम नहीं मिला। यू नो कि 10:30 पे टेस्ट मिली है, 11:30 पे उन्होंने टेस्ट ले ली। सीम्स लाइक दैट बहुत सी नाइंसाफियाँ भी हुई हैं टेस्ट के अंदर, लेकिन हम यही कहेंगे कि पेरेंट्स को, उन्होंने अपना बेस्ट दिया है स्टूडेंट्स ने, उनको छोड़ दो, आप रिलैक्स हो जाए। दूसरी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए ट्राई करो। मैं स्पेशली रिकमेंड करूँगा कराची यूनिवर्सिटी सिंधी स्टूडेंट्स को, जो कि सिंध में है या कहीं पर भी हैं, कराची यूनिवर्सिटी के लिए ट्राई करो, खर्चा सेम ही है। ओके, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको अभी कोई यू नो के मेहनत का फल नहीं मिला तो इन फ्यूचर आपको डबल मिलेगा, सिंगल नहीं, डबल मिलेगा। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।